तो अब बज गए हैं सुबह के 9:30 और मेरा बाबू भी उठ गया है। बाबू, मेरा बाबू बात करता है और ये है बाबू के डैडी, चुपचाप साइलेंट। और ठंड में हमें ठंड नहीं लगती, बाकी सभी को ठंड लगती है, दोनों दुबके पड़े हैं। और मशीन में हमारे कपड़े धुल ही रहे हैं बाहर, बाकी काम हो गया। अरे मेरे बाबू को सर्दी जुकाम हो गया है। बाबू, जुकाम हो गया आपको, देख रहा है। शोना बेटा मेरा बाबू, बाबू देखो कौन है, बोलो हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं शॉर्ट्स में आता हूँ रोज। अब बाबू की मालिश हो गई है। कैसे किसी को तो दिखा, ये एक्सरसाइज कर रहे हैं। बाबू की एक्सरसाइज हो रही है, बैठे बैठे थक जाते हैं। तो अब दोपहर हो गई है और छोटी यानी कि ईशा घर पर आ चुकी हैं और मैं बना रही हूँ दाल चावल। और अभी चावल इस पे, दाल इस पे बन रही है। और बाबू कपड़े पहनो, आप पहनो जल्दी। बाबू तुम मेरी बात सुना करो, कितनी ठंड हो रही है। देखो मैंने स्वेटर पहन रखा है, मोजे पहन रखे हैं। हाँ बात सुनो पहले, पिया ने मेरे को बहुत तंग कर दिया। प्रिया ने, पिया ने, प्याज ने, वो कौन होता है, बच्चा है। प्याज, प्याज, प्रयाग, प्रयाग, प्रयाग होगा। प्रयाग ने तुझे तंग कर दिया, क्या कहा उसने? है मैं उसकी बहन नहीं बनी, क्या बोल रहे हो? वो कह रहे मेरे को बहन बना ले। तो बाबू से भाई बना लेते आप, क्या प्रॉब्लम है आपको? इधर आओ पहले। मुझे परेशान कर रहा था। क्या परेशान किया, जल्दी बताओ, मैं टीचर से शिकायत कहूंगी फिर। जल्दी बताओ, आओ। तो सुन नहीं रही, अब वो भाग गई है और स्कूल में किसी ने उन्हें तंग किया होगा, वो बता रही है। तो मैं पूछती हूँ बच्चों का दिन कैसा गया, क्या है। वैसे इनसे पूछने की जरूरत नहीं पड़ती है, खुद ही आके बता देती है, क्योंकि बाबू है मेरी। तो बस अब स्कूल से आ गई है, 12:30 हो रहे हैं दोपहर के, और इतना खाना मैंने लेट चढ़ाया है आज का। और जल्दी हो जाए ना वही मैं 12:30 तक खा लेती हूँ। अब पता नहीं कितने बजे बनेगा और भगवान जाने कितने बजे खाऊंगी, भूख लग रही है मुझे तेज। अब हो गई है शाम, शाम के 7:45 हो रहे हैं और मैं बना रही हूँ छोले की सब्जी। और छोले रोटी बनेगी आज, छोले बनेंगे बेसिकली। और दोपहर के तो थोड़े से चावल रखे ही हैं और दाल भी रखी है, तो वो भी खा लेंगे हम। और छोले बना रही हूँ बड़ी देर से, क्योंकि इसको मैं उबालना, पानी में भिगोना भूल गई थी। तब छोले की सब्जी बना रही हूँ और बच्चे अपने काम में लग रहे। क्या कर रहे हो बाबू? बैग में से सामान, बाबू पढ़ तो लो, बाद में कर लेना। बैग में से सामान निकाल लेना, पेपर आ रहे हैं तुम्हारे, इसके पेपर आ रहे हैं। और एग्जाम के नियरेस्ट ही बैठती है पढ़ने के लिए, क्योंकि सर छोटी बिल्कुल नहीं पढ़ने देती। और अभी बस अलग बिठा रखी है मैंने, और वो अपनी मस्ती में होगी, देखते हैं। बहुत शैतानी मुझे पता है छोटे, ये देखो राघव हमारे